नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत है आज की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि ICDS के अंतर्गत कई सारी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, पोषण ट्रैकर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना। तो ये जो तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का निष्पादन कराने हेतु एक लेटर जारी किया गया है ICDS ऑफिस समाज कल्याण विभाग के तरफ से, जिसमें कि आप लोगों का जो ऑफिस है मंडे टू सैटरडे खोला जाता था, तो इन कामों को निष्पादन कराने हेतु 3/4/2024 से मंडे टू संडे आप लोगों का ये ऑफिस खुला रहेगा। जी हाँ, ये ICDS निदेशालय की तरफ से खबर आई हुई है जिसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। और जैसा कि आप लोग इन योजनाओं पे काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोगों को आज की इस वीडियो से दी गई जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को आप लोग लाइक करके शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं उस लेटर की ओर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, समाज कल्याण विभाग का ये ऑफिशियल लेटर है। संचिका संख्या 1639 और डेट यहाँ पे देख पाएंगे 1/3/2024 को ये लेटर जारी किया गया है। इस लेटर को जारी करने वाले हैं निदेशक ICDS सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को ये लेटर जारी किया गया है। और इस लेटर का जो मुख्य विषय है यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ICDS योजना अंतर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में। नीचे लिखा गया है महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है, ICDS योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन हेतु बार बार स्मारित कराने के बावजूद अभी तक कतिपय योजनाओं में प्रगति शून्य अथवा काफ़ी कम है। योजना की प्रगति एवं ससमय निष्पादन हेतु दिनांक 3/4/2024 से कार्य समाप्ति तक प्रतिदिन यानी कि रविवार सहित सभी बाल विकास परियोजना कार्यालय खुला रहेगा। यानी कि 4/3/2024 से ये जो ICDS की योजनाएं चल रही है उन योजनाओं के समाप्ति तक आप लोगों का जो ऑफिस है वो प्रतिदिन यानी कि सोमवार से लेकर रविवार तक खुला रहेगा। आगे यहाँ पे लिखा गया है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 100-100 के बैच में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को महिला पर्यवेक्षिका एवं संघ के प्रतिनिधि की उपस्थिति में नामांकित बिंदुओं पर संबोधित करते हुए कार्यों का निष्पादन करेंगी। यहाँ पे जो मुख्य कार्य दिए गए हैं उन कार्यों को आप लोगों को ध्यान से देखना है, कौन कौन से कार्य हैं और कौन कौन से कार्य को निष्पादन कराना है। यहाँ पे लिखा गया है, दिनांक 22/2/2024 द्वारा निर्गत निर्देश के आलोक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का पंजीकरण कराते हुए सूची उपलब्ध कराना। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो पंजीकरण है वो आप लोगों को कराने के लिए बोला गया है। साथ ही साथ यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप पर जो आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का आधार सत्यापन नहीं हुआ है उसको सत्यापन कराने के लिए यहाँ पे जो टीम बनाई जाएगी उनके अनुसार आप लोगों को यहाँ पे जो है कि आधार सत्यापन कराया जाएगा। हालांकि आप लोगों का जो आधार सत्यापन है अभी भी बहुत कम परसेंट में आप लोगों का आधार सत्यापन हुआ है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला है कि आंगनबाड़ी केंद्र पे जो सहायिका है वो नहीं है। इसके लिए विभाग की तरफ से अभी कोई सूचना नहीं जारी की गई है कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर सहायिका नहीं है उनका वहाँ पर आधार सत्यापन कैसे होगा। इसके लिए अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप लोगों को ज़रूर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लॉगिन आईडी पासवर्ड सभी स्तर पर जैसे कि CDPO, LS, आंगनवाड़ी वर्कर पर बदलना एवं सभी संबंधित से प्रमाण पत्र लेना। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत आप लोग का जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो पासवर्ड जो पुराना वाला है उसको चेंज करने के लिए कई दिनों से आप लोगों को निर्देश दिया जा रहा है कि आप लोग अपना जो पासवर्ड है उसको चेंज कर लें। जैसे कि इस प्रकार से जो test8123 जो पासवर्ड आप लोगों को दिया गया था उस पासवर्ड को चेंज कराया जा रहा है, तो बहुत सी आंगनबाड़ी सेविका बहनों द्वारा ये जो ओल्ड पासवर्ड है उसको चेंज नहीं किया गया है तो उसको चेंज कराने के लिए भी यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, आंगनबाड़ी केंद्रों का विद्युत कनेक्शन एवं गैस कनेक्शन हेतु आवेदन लेना। जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो बिजली कनेक्शन है और गैस कनेक्शन है उसका भी यहाँ पे जो कार्य है उसको निष्पादन कराने हेतु ये लेटर जारी किया गया है। उसके नीचे यहाँ पे पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड पर सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं का परियोजना स्तर पर लॉगिन आईडी बनवाना। तो सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपने जिला अंतर्गत बाल विकास परियोजनाओं में किए जा रहे उपरोक्त कार्यों का अनुसरण एवं पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करेंगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो ICDS विभाग का लेटर है वो जारी किया गया है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका यहाँ पे विद्युत कनेक्शन गैस कनेक्शन का जो आवेदन है वो कम्प्लीट करा लिया गया है, या जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो पंजीकरण है वो कराया गया है या नहीं कराया गया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को और भी आंगनबाड़ी भवनों तक शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।